तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय जनरल मेथड। जनरल मेथड से हम लोग कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे, तो देयर आर थ्री और फोर इक्वेशन ऑफ मोशन। द फर्स्ट वन इज v इक्वल टू यू प्लस at, सेकंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, एंड फोर्थ s t इक्वल टू u प्लस 1 बाय 2a 2t माइनस 1। ओके, ये फोर इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हम लोग जनरल मेथड से डिराइव करेंगे। यहाँ पर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, s है डिस्प्लेसमेंट। चलिए तो फर्स्ट डिराइव करते हैं अपन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at। देखो यहाँ पे वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ओके, तो एक्सेलरेशन ए चेंज इन वेलोसिटी, सपोज एट टी इक्वल टू जीरो वेलोसिटी है u, u क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी है, उस समय टाइम को ले लिए जीरो, एंड एट टी इक्वल टू टी वेलोसिटी इज v, देन व्हाट विल बी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, तो v माइनस u इक्वल टू at, तो v इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस at, ये हो गया प्रूफ। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अपन देखते हैं डिराइव करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, यहां तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए कैसे डिराइव करेंगे हम लोग, बाई जनरल मेथड। इसके बाद हम लोग कैलकुलस मेथड और ग्राफिकल मेथड भी पढ़ेंगे। तो सेकंड इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो ये डिराइव करना है, s यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, तो देखिए आपको पता है कि v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो डी एस इक्वल टू वी डी टी, ये हो गया। एंड वी नो दैट क्या पता है अपने को कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है फर्स्ट इक्वेशन से, तो ds इक्वल टू यू प्लस ए टी डी टी ऐसा हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ds इक्वल टू यू डी टी प्लस ए तो एक्सेलरेशन है t डी टी। चलिए लिमिट क्या रखेंगे, तो पहले लोअर लिमिट टाइम का जीरो रखते हैं, तो टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या था, यानी इनिशियल पोजीशन था वो हो गया जीरो, यानी ऐसा देख लो एट t इक्वल टू जीरो s इक्वल टू जीरो है, एंड t इक्वल टू टी एस इक्वल टू एस है, तो टाइम t इक्वल टू जीरो पे s का वैल्यू जीरो, टाइम t इक्वल टू थ्री पे s का वैल्यू s है। अब इसको इन दो लिमिट के बीच हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं, ds का इंटीग्रेशन हो गया s, लिमिट हो गया जीरो टू s, u u तो इनिशियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन dt जीरो टू t प्लस यहां पर a, और ये भी क्या होगा t dt, लिमिट है जीरो टू t। चलो तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, u dt का t हो गया जीरो टू t प्लस a t का क्या होगा t स्क्वायर बाई टू, लिमिट हो गया जीरो टू t। चलो s इक्वल टू u अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट प्लस a बाई टू हो गया, और ये t स्क्वायर माइनस जीरो, तो ये हो गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस टाइप से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यहाँ हम लोग डिराइव कर लिए बाई जनरल मेथड। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं, तो जनरल मेथड यूज करके हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव करेंगे। व्हाट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। चलो तो वी नो दैट क्या पता है अपने को, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ए टी का वैल्यू क्या होगा, वी माइनस यू, तो t का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, और s इक्वल टू क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो यहाँ से t का वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्योंकि इस इक्वेशन में कहीं भी t नहीं है, तो हम लोग इन दो इक्वेशन से क्या करेंगे, t को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। तो चलिए उसको आगे करते हैं, तो वैल्यू पुट करोगे s इक्वल टू यू v माइनस यू अपॉन ए प्लस वन बाय टू ए v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो s इक्वल टू ये हो गया यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वन बाई टू ए वी स्क्वायर माइनस यू
प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी अपॉन ए स्क्वायर। चलो तो ये ए और ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, टू ए बचेगा। तो एस इक्वल टू एलसीएम टू ए हो गया, तो यहाँ पे ए से ए कैंसिल हुआ, टू यू वी माइनस टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी। चलो ये माइनस टू यू वी प्लस टू यू वी कैंसिल। तो अब आगे देखिए, तो एस इक्वल टू आएगा क्या बचा, माइनस यू स्क्वायर टू यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। तो क्या बचा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन टी एस सेकेंड। टी एस सेकेंड में जैसे अगर कोई पर्सन 9 सेकेंड में चलता है 9 किलोमीटर और 10 सेकेंड में चल रहा है 11 किलोमीटर, तो 10 सेकेंड में कितना चला, 9 सेकेंड में अगर वो 9 किलोमीटर चलता है या 9 मीटर ट्रेवल करता है और 10 सेकेंड में अगर वो 11 मीटर ट्रेवल करता है, तो 10वें सेकेंड में कितना चला, 2 मीटर। क्या किया हम लोग, कैसे निकाले कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकेंड। तो वैसे यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल इन टी एस सेकेंड क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन टी माइनस 1 सेकेंड। जो टी सेकेंड है उसमें से 1 सेकेंड पहले वाला डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन टी एस सेकेंड। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको हम लोग, कि डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला अपने को पता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन टी एस सेकेंड क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन टी माइनस 1 सेकेंड, ये फाइंड कर लेंगे। अब डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकेंड क्या है अपने को पता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख लिए माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन टी माइनस 1 सेकेंड। तो u और t के जगह रख दिए t माइनस 1 प्लस 1 बाई टू ए टी माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया एस टी एच, तो एस टी एच का वैल्यू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस u प्लस 1 बाई टू ए टी स्क्वायर माइनस 2t, ओके माइनस 2t प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस यू प्लस 1 बाई टू ए टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टू ए इंटू टू टी प्लस 1 बाई टू ए, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे क्या है, ये यू टी कैंसिल हो गया, ए टी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्या बचेगा अब, ये बचा माइनस माइनस प्लस यू हो गया, ठीक है, और ये माइनस माइनस फिर ये प्लस हो गया 1 बाई टू ए इंटू टू टी माइनस 1 बाई टू ए, ठीक है। माइनस का यहां से प्लस हो गया, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया u प्लस ए टी माइनस 1 बाई टू ए, तो ये हो जाएगा u प्लस ए बाई टू बाहर आ गया 2t माइनस 1। ये हुआ फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल इन टी एस सेकेंड, ठीक है। इसके बाद है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड, उसको भी देख लेते हैं अभी।